मरीजों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई एम्बुलेंस का सीएम येडियुरप्पा ने किया इफ्तिताह। मुल्क में अपने तर्ज की पहली एम्बुलेंस होने का किया दावा। भटकले पीसीआर और एसआईओ ने की बीईओ देवीदास मोगर से मुलाकात, राइट टू एजुकेशन के मुतालिक हासिल की मालूमात। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एनसीबी पुलिस ने किया रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार, कहा ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश करने रिया चक्रवर्ती को हिरासत में रखना होगा जरूरी। एलएसी पर चीनी फौज की फायरिंग, हिंदुस्तानी चौकियों तक पहुंचने की कोशिशों में है चीनी फौज। दिल्ली का कैब ड्राइवर आफ्ताब आलम यूपी में मॉब लिंचिंग से हुआ हलाक, जय श्री राम कहने और शराब पीने के लिए की गई थी जबरदस्ती। इसराइल का पहला सरकारी तिजारती काफिला पहुंचा हुई, इसराइल के सबसे बड़े बैंक के सीईओ भी है मौजूद। नई तालीमी पॉलिसी पर बंगाल हुकूमत ने जताई नाराजगी, वजीर आजम मोदी और सदर जमहूरिया के सामने पेश किए गए एतराजात। बेंगलुरु नम्मा मेट्रो की शुरुआत के बाद स्मार्ट कार्ड वालों को दी गई है सफर की इजाजत, सिर्फ 50 मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पर आने की दी गई है इजाजत। संदलू ड्रग्स मामले में सीसीबी ने किया कन्नड़ा अदाकार संगना गलरानी को गिरफ्तार, अब तक इस मामले में 6 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। भटकल मदीना कॉलोनी में टीएमसी हुकाम ने मुनाकिद की अवामी मीटिंग, अवाम के जरिए पेश किए गए कई मसाइल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी 10 खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।